हेलो साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारे पास है हीरो होंडा की किक शाफ्ट, तो हम बताएंगे इसको किस तरीके से फिट करना चाहिए, तो इसके बारे में हम बताएंगे, जानकारी देना चाहेंगे। तो सबसे पहले शाफ्ट चेंज करने से पहले ये देख लेना चाहिए इसकी दांते सही हैं या नहीं। तो इसके दांते सही हैं, ये पुरानी शाफ्ट है, तो हम इसे फिट करके दिखाएंगे किस तरीके से फिट होती है। तो ये इसकी दो गरारी हैं, इसे किक रैचेट बोलते हैं, देख पा रहे होंगे। तो ये शाफ्ट है इसकी, और इसमें निशान होंगे तीन, देख पा रहे होंगे आपको, ये एक दो तीन। तो ये निशान का हमें ध्यान रखना है। तो ये किक रैचेट की गरारी है, तो हमें इस तरीक़ा से डालना चाहिए इसमें, इसमें ये पड़ गई। और इसके बाद में ये बार्सल दिख रहा होगा, तो ये बार्सल दे देना है यहाँ पे इस तरीके से। तो इसके दो ये दो लोग लॉक हैं, तो ये सेम ही होते हैं, कोई सा भी डाल सकते हैं, किधर भी दिख पा रहे होंगे। तो ये एक लॉक लेना है हमें, और ये एक पेंचकस स्क्रू ड्राइवर लेना है, इसकी मदद से हम डालेंगे इसे। बार साल में इस तरीक़ा से दे देना है, इसमें होता है यहाँ पे, तो ये कड़ में बार साल फंसेगी, तो हम इसे डालते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। इस तरीके से डालना है हमें इसे, लॉक प्लास हो तो लॉक प्लास से डाल सकते हैं। इस तरीके से बढ़ा देना है इसमें, इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर की मदद से, इस तरीके से। तो ये हो चुका है, लॉक लग चुका है इसमें। दूसरा वाला रैचेट ये, तो इस पे यहाँ पे निशान दिख रहा होगा ये, तो हमें ये निशान का ध्यान रखना है, और ये इस तरीके से डालना है इसमें। तो ये निशान दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पे पेंच का से, तो हम इसे निशान की सीध में सेट करेंगे इसे। निशान की सीध में सेट कर दिया हमने इसे, और फिर बाद में ये लेना है स्प्रिंग, इसका इस तरीके से लगाना है इसमें, और ये बड़ा वाला वार्सल लेना है इसका। तो इसमें ये कट होता है, ये अंदर की तरफ रहता है, और इस तरीके से लगा देना है हमें इसे। और फिर उसके बाद में ये दूसरे वाला वार्सल है इसका लॉक, तो ये लगा देना है हमें इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से, इसे लगा देना है इसका लॉक। तो ये लगा दिया हमने इसका लॉक, ये हो चुकी है किक शाफ्ट फिट इसकी, देख सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद भारत।